नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी कैलेंडर के मुताबिक अभी सावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम सब लोग शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। मगर इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे दो स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी, ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने जब दोबारा जन्म लिया था तो उन्होंने फिर से शिव जी को अपने पति बनाने के लिए बहुत कड़ा तप किया था और उस तप से शिव जी प्रसन्न हुए थे और सावन महीने में ही उन्होंने पार्वती जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकारा था। और दूसरी स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था उस विष को शंकर जी ने पिया था और विष को पीते ही उनका पूरा शरीर जलने लगा, तो सारे देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। तो ये दो स्टोरी है, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको यही दो स्टोरी सुनने को मिलेगा। जब पार्वती जी ने तप किया था तो उन्होंने जब जो शिवलिंग बनाया था उन्होंने खुद से शिवलिंग बना के उसका पूजा की, शिवलिंग का पूजा किया था, तो उस शिवलिंग को उन्होंने एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे बनाया था और उसी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाती थी और वही बेलपत्र को वो खाती भी थी। इसीलिए इस हरे रंग का बहुत महत्व है सावन के महीने में, क्योंकि हम इस महीने में हरे रंग की चूड़ी पहनते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं, हरे रंग की साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो इस हरे रंग का महत्व उधर से आता है, मीन्स बेलपत्र के वजह से, क्योंकि उसका कलर भी हरा है। सावन में सारी लेडीज शादीशुदा और जो कुंवारी है दोनों ही हर मंडे को फास्टिंग रखती है और अब तो हस्बैंड पत्नी के साथ साथ में पति लोग भी फास्टिंग रखना चालू कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो तुझे पूजना हर दिन मेरा काम है, लेकिन सावन का पवित्र महीना महादेव तेरे नाम है।